बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम एक्टिंग गवर्नर पंजाब राणा इकबाल खान साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीरे आला पंजाब, हिज़ एक्सलेंसी मिस्टर सुन वेडोंग, एम्बेसडर ऑफ चाइना, मिस्टर चैंग शिन, चेयरमैन टिबिया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात और कारकुनान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप भी सब यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ जो स्पीचेस हैं या जो भी बीच में कार्रवाइयाँ हुई उसमें खासी देर लग गई है। शहबाज साहब की तकरीर थी माशाल्लाह बहुत तफसीली थी, उन्होंने हर चीज़ के बारे में यहाँ पे गुफ्तगू की है जिसका ताल्लुक़ इस मंसूबे से है। हम तो अल्लाह के फजल करम से जिस दिन से हुकूमत में आए हैं हमारा सिर्फ एक ही जो है वो असूल है, एक ही इरादा है, वो ये कि पाकिस्तान के अंधेरों को दूर करना है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में रोशनियों को वापस लेके आना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को दूर करना है, इफ़लास को दूर करना है, जहालत को दूर करना है, और यकीनन उसके लिए वसाइल चाहिए। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस काम को करने के लिए हमने चंद बड़ी बड़ी चीज़ों को हाथ डाला है। वो ये कि पहले सबसे पहले एनर्जी की किल्लत का खात्मा, पाकिस्तान के अंदर बिजली को वापस लेके आना जो हमसे किसी वजह से रूट कर चली गई थी या ना अहलियों की वजह से चली गई थी, फिर पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी को पूरा करना, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म करना, कराची के हालात को ठीक करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आर्म्ड मिलिशियाज़ हैं उनको ख़त्म करना, ये हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो इन चीज़ों में है। और आप देखिए कि हमने उन चीज़ों को वाक़ईतन उनकी आंखों में आंखें डाली और फिर उन पे हाथ डाला, और आज अल्लाह के फजल व करम से बिजली के आने की भी उम्मीद पैदा हो चुकी है, और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से 2017-2018 जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका होगा और इंडस्ट्री का पहिया दोबारा चलेगा। इस मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की एक दफ़ा फिर होती हुई नज़र आएगी, और ये बात आज मैं नहीं कह रहा, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये आज दुनिया का मीडिया भी ये बात करना शुरू हो चुका है। और हमें हर मरहले पर ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें नज़रे बद से बचाए, क्योंकि नज़रे बद जो है ना वो यकीनन बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और यहाँ पर अभी शहबाज साहब जिक्र कर रहे थे, शहबाज साहब के साथ साथ वो जो चेयरमैन टिबिया जो है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने इसमें से 2 करोड़ डॉलर जो हैं वो मज़ीद कीमत में कमी करवाई, यानी लोएस्ट बिडर हैं ये टिबिया वाले लोएस्ट बिडर हैं, और लोएस्ट बिडर से भी उसकी जेब से भी 2 करोड़ डॉलर निकलवा लिए हमने। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज साहब का कमाल है, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी वाले, वो इस बात का नोटिस क्यों नहीं लेते कि शहबाज साहब ने उनकी जेबों से पैसे निकलवा के कौमी ख़जाने में जमा करवाए, और फिर वो तो हर चीज़ का नोटिस लेते हैं, आज नज़र नहीं आ रहे कहीं वो। उनको भी मेरा ख्याल है कि अपने जब वो पाकिस्तान के बारे में
जब वो प्रोफाइल देखते हैं तो ये भी चीज़ें उनको शामिल करनी चाहिए। हमारे जो तनकीद करने वाले हैं उनको भी तनकीद करनी चाहिए कि $2 करोड़ क्यों बचाए गए, कैसे बच गए, और कम अज़ कम इसकी तो दाद दें। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर तनकीद का निशाना बनती है, लेकिन जहाँ जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और आज पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, और ये कोई हम झूठ नहीं बोल रहे, पहले कोई यकीन ही नहीं करता था। आज से कुछ हफ्ते पहले, चंद महीने पहले कोई इस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब चीन के सदर जो हैं पाकिस्तान खुद आए, खुद उन्होंने आके इसका ऐलान किया, दस्तखत किए, मंसूबों पे जो है वो दस्तखत हुए और MOU साइन हुए, तो फिर उसके बाद सबको यकीन है। आज यहाँ पे चीन के सफीर भी बैठे हुए हैं और ये बातें सुन रहे हैं वो भी, और जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, दूसरों ने कहा, वो भी सुन रहे हैं। और आज बल्कि वो हमारे साथ ही जहाज़ में तशरीफ़ लाए, और हमने ये कहा कि हम चाइना और पाकिस्तान अब एक स्पेशल एक कमेटी बनाएंगे दोनों मिलके, ताकि इन मंसूबों की तेज़ रफ्तारी के साथ तकमील जो है वो मुमकिन हो सके। उसमें मैंने खुद इनको ये तजवीज़ दी कि आप भी हमारे साथ मिलके जो है वो इसको मॉनिटर करें, हम भी करेंगे, और मेरा अपना भी इरादा है कि इंशाल्लाह मैं हर मंसूबे में खुद जाऊंगा, हर जो मंसूबा जो हमने ये 46 अरब डॉलर का मंसूबा है, खुद जाऊंगा और बार बार जाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि हम कोशिश करके इस सारे मंसूबों को जो है वो अपना मुकर्र वक्त के अंदर मुकम्मल करें। इस स्पीड के साथ पहले कभी चीज़ें ना तय हुई थी, ना एग्रीमेंट साइन कभी हुए और ना कभी मुकम्मल हुई, लेकिन ये तारीख रिकॉर्ड हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत ने आज तक कभी डिलीवर नहीं किया, या किया होगा तो बहुत कम अरसे के लिए किया होगा। ये पहला अल्लाह के फजल व करम से ये मौका आ रहा है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है, जहाँ इंशाल्लाह जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो डिलीवर करते हुए नज़र आएंगे, दूसरों को यकीनन देखने का मौका मिलेगा कि ये लोग सिविल सर्वेंट्स तो बड़ी तेज़ी के साथ इन मंसूबों पे काम कर रहे हैं, तो यार हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल है कि उनको भी कम से कम ये सबक ज़रूर मिलेगा उनको काम करते हुए देखने के बाद, कि हम भी काम करें, डिलीवर करें, इस मुल्क की खिदमत करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है एक नई रवायत कायम करने का। ये रवायत इंशाल्लाह कायम होगी तो यकीनन हर शोबे में तरक्की जो है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आएगी। एक साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स थे, मिट्टी थी, रेत थी, और यहाँ आके उसका हमने जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा यहाँ पे आके, और फिर आज अल्लाह के फजल करम से देखें पैनल्स का समुंदर नज़र आता है यहाँ पे। आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के देखेंगे, या शायद आपने फिल्म में भी इसका थोड़ा सा देखा होगा कि पैनल्स का समुंदर नज़र आता है, यानी ये इलाका जो है जो कुछ भी नहीं इस ज़मीन से उगता था, ये बिल्कुल ये डेजर्ट, जैसे पहले कहा गया है कि डेजर्ट था, और आज उस पर इंशाल्लाह 100 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट हो रही है। इसको अब मज़ीद 9 से आप ज़रब दें तो इंशाल्लाह कल जाके ये 900 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा, जो पाकिस्तान में सोलर का सबसे बड़ा कारखाना नहीं बल्कि दुनिया में सोलर का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और आप ऊपर से देखें कभी एरियल व्यू का मौका मिलेगा आपको, जो लोग हेलीकॉप्टर्स में आए हैं वो ज़रा हेलीकॉप्टर में बैठ के देखें कि ऊपर से क्या नज़ारा देता है, ये बड़ा खूबसूरत है। और जब ये जगह जगह चप्पा चप्पा इस तरह के कारखाने लगेंगे, मंसूबे लगेंगे, तो पाकिस्तान के बारे में भी ये एक जो है वो तसव्वुर पैदा होगा कि पाकिस्तान भी एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क है, अपनी तवानाई की ज़रूरतें खुद पूरी करता है। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या मालूम कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो लगना चाहती है मुल्क के अंदर, लोग लगाना चाहते हैं लेकिन बिजली की वजह से वो लगा नहीं पा रहे। आज इंशाल्लाह जब वो देखेंगे कि कारखाने लग रहे हैं, वो खुद ब खुद इंशाल्लाह ये कारखाने अपने भी लगाएंगे। जब वो देखेंगे कि अब पोर्ट कासिम में भी बिजली का कारखाना लग रहा है,
जब वो देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सिंध के अंदर थर के मकाम के ऊपर भी मकामी कोल से, मकामी कोयले से जो है वो बिजली जो है वो अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, जब वो ये देखेंगे कि साहिवाल के अंदर भी 1320 मेगावाट का बिजली का कारखाना लग रहा है, जब वो देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर 660 मेगावाट का मंसूबा लगना शुरू हो चुका है, सुकी किनारी खैबर पख्तूनख्वा में 840 मेगावाट का जो है वो एक प्रोजेक्ट लगना शुरू हो चुका है, क्रोट जो आज़ाद कश्मीर में है 740 मेगावाट का मंसूबा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर जो है मैंने अभी आपके साथ अभी जिक्र किया थर के बारे में, तो थर का इंशाल्लाह 2000 मेगावाट तक जाएगा ये मंसूबा जो है, और इसके साथ साथ अभी ये भावलपुर का जो है माशाल्लाह 900 मेगावाट का मंसूबा होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो माशाल्लाह वो मंसूबे जिससे पाकिस्तान के अंदर 10,400 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जो कि हमारी इंशाल्लाह 2017-18 तक ज़रूरतें पूरी करेगी, बल्कि इंशाल्लाह बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बनेगी। हम इसके साथ साथ एलएनजी के ऊपर जो है वो 3,600 मेगावाट के 3 कारखाने लगा रहे हैं, एलएनजी इस्तेमाल करेंगे और 3,600 मेगावाट की बिजली जो है वो फ्राहम करेंगे। इंशाल्लाह गैस के पाइपलाइन गवादर से लेकर नवाबशाह तक बिछेगी, एक कराची से पोर्ट, कराची से अप कंट्री, और फिर उसके बाद ये जो एक मुस्तकबिल का हमारा मंसूबा है, शायद उसमें भी जो है वो को बिजली की ज़रूरतें अगर पूरी हो सकती होंगी तो होंगी, वरना काशगर से लेके गवादर तक और कराची तक एक हाईवे जो है वो बन रही है, तो ये और रेलवेज़ के अंदर जो है वो उसकी अपग्रेडेशन इंशाल्लाह होगी, तो ये बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं। और फिर कराची लाहौर मोटरवे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कराची लाहौर मोटरवे कराची हैदराबाद सेक्शन बनना शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह हैदराबाद से सखर हम बनाएंगे, सखर से मुल्तान चाइनीज़ बनाएंगे, और मुल्तान से लाहौर फिर पाकिस्तान बनाएगा। ये मंसूबे इंशाल्लाह अब शुरू कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हों। आप देखें कि पिछले 40-50 सालों की जो रवायत है हमारी, एक मंसूबा शुरू होता है 30-30 साल बनता रहता, मुकम्मल नहीं होता और नाम ही नहीं लेता मुकम्मल होने का। हमने मोटरवे बनाई, उसको रिकॉर्ड पीरियड के अंदर मुकम्मल किया, हमने अल्लाह के फजल करम से अब ये मंसूबों की बुनियाद रखी है, इंशाल्लाह इसको इसी टाइम लाइन्स के अंदर बनाएंगे इंशाल्लाह। हम अपना जो है वो हमने कराची मोटरवे का लाहौर मोटरवे की बात की है, उसको भी जल्द से जल्द बनाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे मंसूबे आपने देखा होगा कि गलियों मोहल्ले के मंसूबे जो हैं वो महीनों सालों मुकम्मल नहीं होते, पड़े रहते हैं, पैसे खाए जाते हैं, उसका जो 100 रुपये अगर उसकी एलोकेशन है 70 रुपये खा लिए जाते हैं, 30 रुपये लगते हैं उस मंसूबे पे, और वो भी 1-2 सालों के अंदर मंसूबा उजड़ जाता है। ये पाकिस्तान की रवायत रही है, पैसे हम मांगते हैं दूसरों से, हशर उस पैसे का अपने मुल्क के अंदर ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म अपनी अपने मुल्क के साथ हम कोई नहीं कर सकता, लिहाजा ये रवायत अब ख़त्म होती चली जा रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मंसूबे अपने वक्त में मुकम्मल होंगे, और पाकिस्तान में बिजली की कमी भी अल्लाह के फजल से आइंदा के लिए ख़त्म हो जाएगी, गैस की कमी इंशाल्लाह आइंदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये दहशतगर्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब तो दहशतगर्दी जहाँ हो रही थी उस इलाके को पाक साफ करके दोबारा वो जो लोग बेघर होके वहाँ से निकले थे अपने घरों से, वो अब अपने घरों में दोबारा वापस जाना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला इसको भी नजरे बस से बचाए, और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि ये कौम की मुल्क की, जिसमें यकीनन हमारी फौज जो है वो शाबाश की मुस्तहिक है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी कौमी जो सियासी और फौजी लीडरशिप ने मिल के ये फैसला किया, उस पर अमल किया, और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है। हम मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी हम अपना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मामलात
जो है वो बेहतर बनाए जाएं, और उनको बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं, और मिल के दहशतगर्दी को हमेशा के लिए इस खित्ते से पाक किया जाए, और फिर मुल्क के अंदरूनी हालात को भी ठीक किया जाए। कराची में ये जो थोड़ी छोटी मोटी जो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं सियासी, उनको आप एक तरफ रखें, कराची के हालात पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं। वहाँ भत्ताखोरी का अमलन खात्मा हो चुका है, वहाँ किडनैपिंग फॉर रैनसम अल्लाह के फजल करम से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और वहाँ पे ये जो आपने देखा होगा ये छोटे सियासी किस्म के जो बड़ी जो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, ये भी इंशाल्लाह वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये भी जो है वो ठीक हो जाएंगी, और कराची इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर रोशनियों का शहर बनेगा। ये कराची वाले जानते हैं, कराची वाले अगर यहाँ बैठे हैं या जो मेरी बात सुन रहे होंगे, कोई मेरी बात की तस्दीक कर रहे होंगे कि कराची के हालात पहले से कितने बेहतर हो चुके हैं। बस अब वहाँ सियासी हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और वो बेहतर होने चाहिए। तो मैं जहाँ बिजली की बात होती है, तो बिजली सस्ती बिजली भी हमें बनाने की शिद्दत के साथ ज़रूरत है। बिजली आम लोगों को पहुँचे लेकिन कम कीमत पर। अभी आपने देखा होगा कि 3.47 रुपये एक, यानी पहली दफ़ा बिजली कम की गई फ़ी यूनिट 3.47 रुपये, और अभी हाल ही में 2.32 रुपये कम की गई। टोटल जो है वो 5.79 रुपये जो है वो बिजली की कीमत कम की गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट यकीनन तवक्कु है कि हमारे मीडिया वाले हजरात, जिनकी नज़र इस पर अभी तक नहीं पड़ी, वो उनकी और बड़ी मसरूफियात होती हैं, तो इस पर भी उनकी नज़र पड़ेगी, और वो इसको भी उजागर करेंगे, बताएंगे कौम को कि जनाब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिस पर मीडिया की नज़र करम पड़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी नज़र करम और उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी अभी डिफरेंट हैं। लेकिन मैं तवज्जो दिला रहा हूँ उनकी कि आप मेहरबानी करके अपने प्रोग्रामों में इसका जिक्र ज़रूर करें कि बिजली 5.79 रुपये कम हुई है, और ये बहुत बड़ी कमी है जो बिजली के शोबे में हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है सोलर का, विंड का, बिल्कुल ठीक बात है। अगली जो इंशाल्लाह हमारी आएगी जो मीटिंग होगी इसकी कैबिनेट कमेटी की एनर्जी पे, हम इंशाल्लाह इस मामले को ज़रूर इस पे गौर करके इसका फैसला करेंगे। मैं नजम शाह, अभी मुझे बताया गया कि 30,000 बंदे इस मंसूबे पे काम करते रहे हैं, 3,000 मैं माजर चाहता हूँ, 3,000 लोग काम करते रहे हैं, और इस वक्त जो परमानेंटली काम करेंगे वो 800 हैं। माशाल्लाह 800 बंदे इस पे अपना आए हैं, नए उनको रोज़गार मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला सब लोगों को यहाँ पे एक बाइज़त रोज़गार नसीब फरमाए, और पाकिस्तान से बेरोज़गारी का हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 800 बंदे काम करेंगे। अब जब इसको 9 से ज़रब देंगे तो ये कई हज़ारों में मामला जा पहुँचेगा जो परमानेंट यहाँ के वर्कर्स होंगे। तो इसमें तमाम कारकुनान को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शाबाश। शहबाज शरीफ साहब ने और मैंने अभी मिल के फ़ैसला किया है कि इन तमाम कारकुनान को हम जो है ना वो 2 करोड़ रुपया जो है वो उनकी खिदमत में हम उनको पेश करेंगे इनाम के तौर के ऊपर। तो उन कारकुनान को 2 करोड़ रुपया इंशाल्लाह दिया जाएगा। नजम शाह साहब ने जिस तरह से मेहनत किए दिन रात, उनको भी शाबाश, बहुत अच्छी बात है, और यकीनन तगमा खिदमत के वो मुस्तहिक हैं, और उनको इंशाल्लाह तगमा खिदमत ज़रूर दिया जाएगा। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो भी ऐसे और लोग हैं जो इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए, सरकारी अफसरों की भी और फिर कारकुनान की भी, सब की। और मैं जो है वो इस मामले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उनका बड़ा अच्छा पाकिस्तान का दौरा रहा, बड़ी उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार किया, बड़े वो भाईचारे का इजहार किया पाकिस्तान के साथ,
जो दोस्ती है, ताल्लुक है, बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप हैं, उनको और ज़्यादा उन्होंने मजबूत बनाया। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, सरमायाकारी की है इसमें चाइना ने, लेकिन ऐसे वक्त में जब हमें बड़ी सख्त ज़रूरत थी इन चीज़ों की और इन शोबों में सपोर्ट की, उस वक्त उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और यकीनन ये सच्ची दोस्ती का बेहतरीन सबूत है। तो हम अपना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने इन मंसूबों को पूरा करेंगे और 2018 से पहले पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ये बुनियादी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। इसके लिए हमें और भी दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, हम करेंगे, दिन रात भागेंगे इंशाअल्लाह। और कोई हमारा इसमें ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़ात का कोई मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू ऑल कुड रिमेन सीटेड प्लीज। मे आई रिक्वेस्ट वर्दी चीफ मिनिस्टर टू प्रेजेंट अ टोकन टू वर्दी प्राइम मिनिस्टर। ये 3D मॉडल है ऑफ कायदे आजम सोलर पार्क। मे आई हम्बली रिक्वेस्ट वर्दी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ टू प्रेजेंट दिस 3D मॉडल ऑफ कायदे आजम सोलर पार्क। ये नजम शाह साहब, CEO कायदे आजम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड भी मौजूद हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। और एक पेंटिंग है जो कि चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, डिपिक्टिव ऑफ द लोकल आर्ट। ये आप देख सकते हैं, दरावड़ कला इसमें नज़र आ रहा है, रेगिस्तान आपको नज़र आ रहा है और कायदे आजम सोलर पार्क भी आप देख सकते हैं। दिस इज वॉट वी कॉल अ न्यू एंड एन इमर्जिंग पाकिस्तान। I am absolutely grateful to worthy Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif, worthy Chief Minister Muhammad Shehbaz Sharif, federal ministers, parliamentarians, Ambassador of People's Republic of China, and all the honorable guests who have come here today. I am absolutely grateful for your kind presence.